नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बापू के सपने को पूरा करना है, तो जब तक वर्दी ना मिल जाए ना रुकना है ना। यदि आप भी एस 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 जी डी 2024 का फॉर्म अप्लाई कर चुके हो और वर्दी के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे 20 पर्यायवाची शब्द जो मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूं, उनका जवाब दीजिए। देखते हैं कितना दम है आप लोगों में, कितनी आप लोगों की तैयारी है। कहीं ये तो नहीं है कि आप तैयारी के नाम पे ज्यादा तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। यदि आप भी तैयारी अच्छी कर रहे हो, आपको भी लगता है कि वास्तव में मैं इस एग्जाम में वर्दी पाकर रहूंगा, तो मेरे इन 20 पर्यायवाची शब्दों का जवाब दीजिए। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और एक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बार बार मैं ऐसे चैलेंज वाले क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, तैयार हो जाइए। प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी स्टूडेंट जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है मुद्रिका। मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सारे पर्यायवाची शब्द लेटेस्ट है, पहली बार देखोगे आप। मुद्रिका का पर्यायवाची है अंगूठी, अंगूठा, अंगीठी, अंगुली। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। मुद्रिका, मुद्रिका, जो स्टूडेंट यहां ए जवाब दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। अंगूठी, मुद्रिका, अंगूठी जो हाथ में पहनी जाती है। नेक्स्ट पर आइए। अगला है प्यारा सा पर्यायवाची है तम। तम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। अंधु, अंधा, अंधकार, अंश। तम का पर्यायवाची शब्द आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखता हूं कितना स्टूडेंट जवाब देते हैं। तम, तम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। जो मेरे प्यारे लाडले सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने वाला है। साथ साथ में इसको शेयर जरूर करते जाए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाले हैं। अगला प्यारा और लेटेस्ट पर्याय है कि चक्षुहीन का पर्यायवाची है। देखिए, अब आपको पहले वाले जो पुराने पर्याय मिलते थे सीधे साधे, वो अब नहीं मिलने वाले हैं। अगला है चक्षुहीन का पर्यायवाची अकड़ होगा, अंधा होगा, अंधु होगा या अंदाज होगा। चक्षुहीन पढ़ते ही पता चल जाएगा अंधा हो जाएगा, जिसके आंखें नहीं है उसको तो अंधा ही कहेंगे। चलिए मेरे लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भाज्यांश का पर्यायवाची आपको बताना है। भाज्यांश का पर्यायवाची आपको बताना है अंतर होगा, अगम्बू होगा, अंश होगा, अकड़ होगा। भाज्यांश, भाज्यांश आप देखते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको आजकल लेटेस्ट नहीं मिलेंगे। भाज्यांश का आपको पर्याय बताना है, अंश हो जाएगा। भाज्यांश का पर्याय क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। शेयर करते जाओ और अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अपरिभाष्य। अपरिभाष्य का पर्यायवाची आपको बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अपरिभाष्य का पर्यायवाची आप बताइए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चार है एकाट्ये, एकथनीय, एकर्मण्ये, अंधकार। क्या होगा राइट जवाब आपको देना है। अपरिभाष्य यानी एकथनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। दुर्भिक्ष अगला है। दुर्भिक्ष का पर्याय आपको बताना है अकिंचन, अज्ञात, अक्षत, सॉरी अकाल या अक्सर। क्या होगा दुर्भिक्ष का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या होगा दुर्भिक्ष का पर्यायवाची बताना है, अकाल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला है धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची आप सभी स्टूडेंट को बताना है। देखता हूं कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं, किसमें है दम। धनंजय, अग्नि, अचल, अचीर, अजीब। धनंजय का पर्याय आपको बताना है। धनंजय का पर्याय होगा मेरे लाडलो अग्नि। दम है तो जवाब दीजिए। 20 पर्यायवाची लेटेस्ट लेकर आया हूं, जो आपको हो सकता है आज पहली बार मिले हो। अगला क्वेश्चन है, अगला पर्याय है नवाकिफ। नवाकिफ का पर्याय होगा अजीब, अजनबी, अजूबा, अज्ञ। कमेंट सेक्शन में जवाब ठोकिए।
नावाकिफ का पर्यायवाची है अजनबी। जो स्टूडेंट यहां बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगले पर आ जाओ। अविचल का पर्यायवाची है, अविचल का पर्यायवाची क्या होगा? अटल हो जाएगा, अणु हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, अतिचार हो जाएगा, क्या होगा भैया? अविचल, अविचल का मतलब हो जाएगा पर्याय अटल हो जाएगा। जो स्टूडेंट देखिए ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लाइव क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है, आप सपोर्ट करोगे तो हम इससे और अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आएंगे। जो लेटेस्ट है, नए क्वेश्चन है हिंदी में, अब की बार यही क्वेश्चन प्रथम लहराएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है पाहुना, पाहुना का पर्यायवाची आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अतिचार होगा, अतिथि होगा, ऐचिर होगा या एगाद होगा? पाहुना का पर्यायवाची हो जाएगा अतिथि, पाहुना की पावना सी, पावना अतिथि एक ही बात है। चलो अगले पर आओ, थोड़ा सा जल्दी करता हूं। नृशंसता का पर्यायवाची बताना है, नृ संस्था का पर्यायवाची क्या होगा? अत होगा, अतुल होगा, अतिरिक्त होगा या अत्याचार होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। जो पढ़ रहा है स्टूडेंट, जो मेहनत कर रहा है, जो वर्दी के लिए दिन रात एक कर रहा है, वो तुरंत इसका अत्याचार जवाब दे देगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है इंद्रिया, इंद्रियातीत का पर्यायवाची आपको बताना है। इंद्रियातीत का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा? अधर होगा, अधर्म होगा, अदृश्य होगा या अतुल होगा? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इंद्रियातीत अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा। चलिए अगले पर आइए। अगला क्वेश्चन है जुल्म, जुल्म का आपको पर्याय बताना है मेरे लाडलो, जल्दी से बता दीजिए। जुल्म का पर्यायवाची क्या होगा? ओट आदि, अधर्म या लब? तो ये सिंपल है, जुल्म का पर्यायवाची अधर्म हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। अगला है बेताब, बेताब का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बेताब अधीर होगा, अनंतर होगा, अनंतर ये दो बार हो गया, कोई बात नहीं, अनाज। बेताब का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा? बेताब, बेताब का अधीर हो जाएगा कि मैं बेताब हूं, किसके लिए? वर्दी के लिए, दम लगाओ। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अनभिष्ट, अनभिष्ट का पर्यायवाची आपको बताना है। अनजान हो जाएगा, अनाथ होगा, अनादर होगा या अनचाह होगा? अनभिष्ट, अनभिष्ट का पर्याय होगा अनचाह, अनचाह। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। बेगाना कि फिरता हूं मैं मारा मारा, बेगाना कि जब तक वर्दी ना मिल जाए तब तक मैं बेगाना रहूंगा, वर्दी मिलने के बाद में क्या हो जाऊंगा? दीवाना, दीवाना किसका? दीवाना उसका नहीं, मातृभूमि का, ठीक है। तो बेगाना का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा? अनाज, अनादर, अनजान या अधीर, बताइए। बेगाना का पर्यायवाची हो जाएगा अनजान, कि मैं अभी अनजान हूं, वर्दी मिलने के बाद में दीवाना हो जाऊंगा। तो दीवाना किसका होना है? मातृभूमि का होना है, और किसी चीज का नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, अगला पर्याय है सस्य का पर्यायवाची आपको बताना है। अनाज, अनादर, अनी, अनुदार, क्या होगा? अनाज। नेक्स्ट पर आ जाऊं। यतीम, यतीम का पर्यायवाची आपको बताना है। यतीम यानी अनाथ, अनादर, अनजान या अनार? यतीम कि दुनिया में बहुत यतीम है, यतीम यानी दुनिया में बहुत अनाथ लोग हैं, इसका राइट जवाब अनाथ हो जाएगा। चलिए अगले पर आइए। अगला है सुकोदन, सुकोदन का पर्यायवाची होगा अनिष्ट, अनार, अनी, अनुकरण। तो सुकोदन, अनार तो जानते हो, अरे अनार तो खाया होगा, हाँ तो अनार। नेक्स्ट पर आ जाओ, लास्ट है आज का। अहितकर,
अहितकर का पर्यायवाची बताइए, अहितकर का पर्यायवाची बताइए। अनुकरण होगा, अनुकूल होगा, अनुदार होगा या अनिष्ट होगा। अहितकर, अहितकर यानी अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट। तो ये 20 पर्यायवाची शब्द मैंने आपको करवाए। कितना ठीक हुआ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहले बार आए हो तो ये आप ही का चैनल है, आप ही के सपोर्ट से आगे चलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और संडे 12 PM फ्री मॉक टेस्ट, कैथली मोबाइल एप्लीकेशन 5 नंबर फ्री मॉक टेस्ट हो। 4 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यदि नहीं किए तो वो भी कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट और टॉप लेवल के क्वेश्चन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।